are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। माइक्रो स्ट्रेटजी के सेलर के काम में ईमेल एड्रेस में बिटकॉइन लाइटनिंग के साथ जोड़ दिया। बाइनेंस लैब्स ने डेवलपमेंट में एक्सेलरेटर MVB प्रोग्राम के लिए 12 फाइनलिस्ट की घोषणा की। UAE फेडरल फाइनेंशियल रेगुलेटर ने VSP के लिए लाइसेंस एप्लीकेशन शुरू किया। गोल्डमैन सैक्स ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए अपनी मेजर सर्विसेज का विस्तार किया। फ्रैक्टल ने हैक VC के लीडरशिप में सीड फंडिंग में $6 मिलियन रेज किए। CoDAO के बिटगेट एंड MEXC के साथ मिलकर $200 मिलियन इकोसिस्टम फंड लॉन्च किया। शैपिला अपग्रेड के बाद फर्स्ट टाइम ETH स्टेकिंग विड्रॉल पास करता है। क्रिप्टो लेंडर बैबल को सिंगापुर में एक्सटेंडेड क्रेडिटर प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो स्कैम्स लगभग $150 मिलियन के नुकसान के साथ 162% से अधिक बढ़ गए। कॉइनबेस के CEO का कहना है कि UK बैंक क्रिप्टो फर्म्स के लिए फाइट पेमेंट्स पर सैंक्शंस लगाना इम्पॉसिबल है। इसराइल के सेंट्रल बैंक ने डिजिटल शेकल इशूट करने के लिए लैंडस्केप की फ्रेमवर्क तैयार की। मई में गाला गेंस का एयर ड्रॉप वर्जन 2 टोकन। बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क माइकल सेलर बिटकॉइन बुल एंड बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर फर्म माइक्रो स्ट्रेटजी के को फाउंडर के कॉर्पोरेट ईमेल एड्रेसेस में इंटीग्रेट हो गया। MVB एक्सेलरेटर प्रोग्राम का सीजन 6 ऑफिशियली पर 17 अप्रैल से शुरू होगा। 11 वीक के सिलेबस को वेब 3.0 फाउंडर्स के इमर्जिंग नीड्स को पूरा करने के डिजाइन किया गया है। इस सीजन में 1500 से मोर एप्लीकेशंस के साथ MVB एक्सेलरेटर प्रोग्राम BNB चेन पर मेड फाउंडर्स के ग्लोबल ग्रुप का वेलकम करता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फेडरल फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी ने घोषणा की है कि वह उन फर्म्स के लिए लाइसेंस एप्लीकेशन रिसीव करना शुरू कर देगी जो देश के अंदर वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार गोल्डमैन सैक्स ने अपनी विजुअल स्ट्रक्चरिंग डेरिवेटिव्स प्राइस डिस्कवरी और ट्रेड आइडिया जनरेशन टूल को क्रिप्टो के एक्सटेंडिंग किया है। सितंबर में FX के लिए टूल लॉन्च करने के बाद कंपनी के इक्विटीज और प्रीशियस मेटल्स के बिजनेस के लिए टूल भी जोड़ा है। इंस्टीट्यूशनल ऑन चेन फाइनेंस स्टार्टअप फ्रैक्टल ने घोषणा की है कि उसने सीड फंडिंग में $6 मिलियन जुटाए हैं कंपनी के कस्टमर्स का फर्स्ट सेट, जिसे हाल ही में बीटा में लॉन्च किया गया है। एवलांचे ब्लॉकचेन पर एप्लीकेशन का यूज करता है। ये एवर लैब्स के इंस्टीट्यूशनल सबनेट एफर्ट्स के साथ इंटीग्रेट करने की प्लान बना रहा है। कॉइन टेलीग्राफ द्वारा देखी गई 2 प्रेस रिलीज के अनुसार एक CoDAO और एक बिटगेट से द ईगो सिस्टम फंड, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बिटगेट और MEXC जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स द्वारा सपोर्टेड है, का ऑब्जेक्टिव इनिशियल स्टेज की प्रोजेक्ट को प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट करना है। यह सपोर्ट वेरियस एरियाज जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट, रिक्रूटिंग, मार्केटिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और अदर नेसेसरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को शामिल करेगी। इथेरियम ब्लॉकचेन ने 12 अप्रैल को एक सक्सेसफुल शेफेला अपग्रेड किया, जिससे वैलिडेटर्स को 3 साल बाद बीकॉन सीरीज में अपने ईथर को वापस लेने का रास्ता मिल गया। बैबल के को फाउंडर फॉर्मर CEO फ्लेक्स यांग के अनुसार मॉरेटोरियम्स 21 जुलाई तक चलेगा, जिससे कंपनी होप नामक एक न्यू डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को आगे बढ़ा सकेगी। 2021 में CEO के रोल से हटने के कुछ साल बाद फ्लेक्स बैबल के रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस की देखरेख करने के लिए वापस आ गया।